नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक सब कुछ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI के CSP के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, आए दिन जब हमारे यहाँ कोई भी ऑडिट आता है तो एक चीज़ का नाम बार बार आता है कि BCP बैनर आपके CSP के बाहर टंगा हुआ है कि नहीं, और BCP एविडेंस जो है आपके फाइल में, ऑडिट फाइल में मेंटेन है कि नहीं, उसको बार बार रिपीट किया जाता है। तो ये BCP बैनर क्या है और BCP एविडेंस फाइल में क्या मेंटेन करना है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि SBI CSP से रिलेटिव एंड CSE से रिलेटिव कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आपको फॉर्मेट में दिख रहा होगा, टेस्टिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिटी प्लान, यहाँ पे फॉर्मेट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दिनांक इतना को मैंने BCP का परीक्षण किया, जिसमें मैंने समय इतना से लेकर के इतना तक ग्राहक सेवा केंद्र को बंद किया था, और हमारे ग्राहक ने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर बैंकिंग सेवा के लिए, मतलब नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर के सुविधा लिया, जिसका संपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी दिन हमारा जो है CSP बंद होता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, कोई भी अगर सिस्टम में फॉल्टिंग हो गया या प्रिंटर में फॉल्टिंग हो गया, उस वजह से अगर बंद हो गया, तो इसमें यही एक एविडेंस देना होता है कि अगर हमारा मान लीजिए CSP बंद है तो हमने जो हमारे यहाँ कस्टमर आए हैं हमने अपने नज़दीकी CSP पर ले जा करके उनको बैंकिंग की सुविधा प्रदान की, उसी का डिटेल हमको इसमें कुछ इस तरह से मेंटेन करना है। नज़दीकी CSP का यहाँ पर नाम डालना है, यानी कि कोड डालना है, लोकेशन डालना है, और ग्राहक का नाम डालना है, उसका लेन देन का प्रकार, डिपॉजिट किया या विड्रॉल किया, ये सब यहाँ पे डालना है, और ग्राहक से यहाँ पे एक हस्ताक्षर ले लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है कॉर्नर में राइट साइड में पेस्ट कॉपी ऑफ रिसिप्ट, जो भी कस्टमर को रिसिप्ट मिलता है उसको आपको एक फ़ोटो कॉपी कर लेना है और उसका यहाँ पर रिसिप्ट को यहाँ पर चिपका लेना है। तो यहाँ पर सिंपली यही है। और एक आता है बात जो है BCP बैनर का, तो यहाँ पर BCP बैनर एक बाहर में हमें लगाना है। मान लीजिए किसी कारणवश हमारा बैंकिंग सेवा हम नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण हमारा, तो बाहर में जो एक डिटेल देना होता है नज़दीकी CSP का नाम, उसका कोड, मोबाइल नंबर और उसका लोकेशन, और आपके CSP से उसके CSP की जो डिस्टेंस है उसका कितना किलोमीटर है वहाँ पे मेंटेन करना रहता है, ताकि जाके कोई भी कस्टमर वहाँ से सुविधा ले सके। अकस्मात अगर आपका CSP पे कोई मान लीजिए प्रॉब्लम है, बंद रहा, या मान लीजिए आपका सिस्टम फॉल्टिंग है, तो उस समय जाके कस्टमर वहाँ से सुविधा ले सके। तो यही BCP बार बार, ये बहुत सारे जो भी ऑडिट आता है, BCP टेस्टिंग एविडेंस ये हो गया जो कि आपको फॉर्मेट में दिख रहा है, इसको हमें मेंटेन करके फाइल में अटैच कर लेना है। और BCP बैनर, जैसा कि मैंने बताया, किसी नज़दीकी CSP का नाम, कोड, डिस्टेंस और लोकेशन को बाहर में एक छोटा सा बैनर करके हमको डिस्प्ले कर देना है, जिसको कि कस्टमर कोई भी आसानी से पढ़ के आपके यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जा करके सुविधा ले सके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि कोई भी SBI CSP से रिलेटेड वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।